आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है और इस पुराण में मौत से जुड़े कई रहस्य भी दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि मरने के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है और किस पाप के लिए कौन सी सजा तय की गई है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के मुताबिक मनुष्य को मरने के पहले कुछ संकेत मिल जाते हैं जो इशारा करते हैं कि अब मृत्यु नज़दीक। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु आने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति की मौत नज़दीक आती है तो उससे कुछ देर पहले उसी आईने में अपना चेहरा नज़र आना बंद हो जाता है। सिर्फ आईने में ही नहीं बल्कि पानी या तेल में भी चेहरा नहीं दिखाई देता है। मौत करीब आने से पहले व्यक्ति की सुनने और बोलने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति ना तो ठीक से कुछ बोल पाता है और ना ही कुछ सुन पाता है। ये संकेत लगभग हर व्यक्ति को मृत्यु से पहले मिल जाता है। मरने से पहले व्यक्ति को अपने आसपास आत्माएं महसूस होने लगती हैं। ये उसके पूर्वजों की आत्माएं होती हैं जो उसके परलोक में आने का जश्न मनाने लगती हैं, क्योंकि मरने वाला उनका परिजन अब उनके पास आने वाला होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने से पहले व्यक्ति की सांसें उल्टी चलने लगती हैं। कई बार उसे यमदूत इस तरह करीब नज़र आने लगते हैं कि उसे अपने आसपास मौजूद लोग नहीं दिखते। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत से पहले व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देनी बंद हो जाती है। मृत्यु करीब हो तो व्यक्ति को तेल या पानी में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है मौत के समय व्यक्ति की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। मौत से पहले व्यक्ति के हाथ की रेखाएं एकदम हल्की पड़ जाती हैं। कुछ लोगों को ये बिल्कुल ही दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। मौत आने से ठीक पहले व्यक्ति को सपने में भी कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, जैसे बुझा हुआ दीपक दिखाई देना। इसके अलावा जब व्यक्ति की मौत नज़दीक आती है तो उसे अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे कहीं सांप नज़र आते हैं तो कहीं लोगों की भीड़ दिखती है। ये एक बेहद स्पष्ट संकेत होता है कि मृत्यु नज़दीक आ गई है। तो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण से संबंधित जानकारी थी और हमें आप आज्ञा दीजिए, आपसे अगली मुलाकात होगी किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें और आप मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।